आज गोटे कोड़े समय परे परे जत बेले जलाभिषेक सरजु नदी रु जत बेले जलाभिषेक पई जो सरजु मांकर जो नदी रु पानी जाई छे एवं अयोध्या रो एवं ता सहित अन्यन्य कोण अनुकोण रु देश रु जो माने महिला माने आछन्ती आज कलश यात्रा रे शामिल होइथिले आमे चित्र मध्य देखैथिलु ता पर परे गोटे कोड़े परे परे ए कार्य विधि सरिसारबा परे 16 रु जेमते 21 तारिख पर्यंत रामलाला को प्राण प्रतिष्ठा पई विभिन्न नियमावली रही छे एवं काशी एवं वाराणसी रु जो भली भाबरे पंडित माने खास करी दुई जन पंडित पूजा पाठ करिवे वेदयज्ञ करिवे ता सहित 150 जन अधिकांश जो अधिकंतु पंडित माने रहिछंती विद्वान माने रहिछंती सेमान मध्ये शामिल हेबे एवं अयोध्या रु गोटे पटे आपण देखिबे साधु संत महंत एवं मठ रे वर्तमान राम नाम होउछि एवं समस्तंकर मुहरे सेई भगवामयर चित्र रहिछि एवं अयोध्यार कहानी समस्त बखाणुछंती किंतु अयोध्यारे जेतबेले श्री राम लाला प्रतिष्ठा पाउछंती सबुठ बड भक्त तांकर कहि परबा प्रभु हनुमान एवं हनुमान जोठि जन्म नहीं किस्किंदा बोली आम पुराण पढ़ी क्षमा कर बेतरता जुगर जो रामायण आम देखी जाणीचर पूर्वज मानू से किस्किंदा ये हनुमान रथ आसी सीधा साल भिजुआल कैमेरा पर्सन सुमंत आपको देखेबे किस्किंदा ये जो रथ आसी ये रथर गोटे कहानी अच्छी से कहानी महाराज जी ठूँ आपन को शुणेबू कि रथ को देखापी बर्तमान लोक हजार हजार आसुँच ये अयोध्यार गोटे स्थान रखा जाइए जो नयाघाट अच्छी से ही पाखे ही ये रथ को रखा जाइए और लोक मानकर भिड़ होती जदिव बर्तमान धीरे धीरे द्वार खोल मंदिर द्वार ये गोटे ट्रक स्वभाव रही कि प्रभु रही हनुमान जी रही ये कहे श्री हनुमान जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र सेठू आसी ये किस्किंदारू आसी किस्किंदारू आसा समय ये गोटे सन्देश दे हिंदू राष्ट्र भारत लोक मान को ये सन्देश दूँ सनातन धर्म संस्कृति कौन परंपरा कौन एवं प्रभु रामलाला जिते प्राण प्रतिष्ठा पाँच हनुमान जन्मस्थान किस्किंदारू वर्तमान ये ट्रक टी आसर आप देखुए पहाड़ पर्वत अच्छे हनुमान कहानी भिन्न भिन्न कहानी सब समय शुणीचे ये जो चित्रपट ही बयान कर प्रत्येक गोटे गोटे गोलाकार स्तंभ जो रही तार कहानी वर्णना करें आलोचना करवा ये तीन चार द्वार अच्छी पखापाखि 5:30 to 7 समय भितर ये द्वार खोल संध्या आरती हम स्वर्णाभिमुखी एवं स्वर्ण रंगर ये जो ट्रक टी रही एथेरे पूरा शोभा पाउछंती प्रभु हनुमान एवं जेहेतु किस्किंदार 250 रु अधिक मीटर बा ताठो अधिक फुट हनुमान जी प्रतिष्ठा पाइबा पई जाउछंती ये 12 वर्ष धरी लगातार ये रथ परिक्रमा करिवे एवं भारत वर्ष सारा ये परिक्रमा करिवे सीधा सड़क प्रतिक्रिया मध्य नबा जो माने एथेरे शामिल होइछंती एवं ये परिक्रमा रथ को विभिन्न देशर विभिन्न जगह विभिन्न प्रांत रे या बुलाउछंती एवं यार उद्देश्य कौन ता विषय मध्य आलोचना करिबा आम सहित महाराज जी जोड़ी होती महाराज जी ये जो किस्किंदा से ये हनुमान रथ ऐसा कह सकते हैं हम ये जो भारत परिक्रमा कर रहा है इसका उद्देश्य क्या है? ये हनुमान जन्म स्थान किस्किंदा नगरी से रथ यात्रा प्रारंभ हुई है। इसका उद्देश्य है भारत में बहुत से स्थानों पर हनुमान जन्म स्थान के बारे में पता नहीं है, तो उस उद्देश्य को लेकर ये यात्रा कर रहे हैं ताकि उसका प्रचार हो रहा है, प्रचार कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र हो, हिंदुओं को जो मतलब धर्म के प्रति जागृत नहीं है उनको जागृत कर रहे हैं इस उद्देश्य से। कौन से भगवान पूजा होते हैं, किस किस जगह में आप घूमकर आए हैं ये परिक्रमा रथ को लेकर? ये रथ में विरूपाक्ष महादेव जो किस्किंदा नगरी में विराजमान है वो विराजमान है, सीताराम लाला की विग्रह मूर्ति विराजमान है और श्री अंजनी माता बाल रूप में विराजमान। तक अयोध्या में रुकेगा ये रथ? ये 22 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हम सम्मिलित हुए, निमंत्रण आया हनुमान जी को और बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस पावन भूमि पे पावन धरा पे हमें आने का सौभाग्य मिला। हनुमान जी का आना ही नहीं, हनुमान जी तो आएंगे ही क्योंकि राम जी का कार्य है, ये तय है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात, इस कार्यक्रम को लेने के कार्यक्रम के सम्मिलित होने के साथ साथ हम प्रभु के चरणों में सेवा करने का एक मौका जो हमें मिला है वो कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा, तो हम तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम 22 तारीख को निमंत्रण में हैं, प्रभु ने हमें बुलाया है, उसमें रहेंगे। 27 तारीख तक रथ यात्रा अयोध्या में कार्यक्रम है। अयोध्या के बाद कहाँ कहाँ ये रथ यात्रा परिक्रमा के जो रथ है वो कहाँ कहाँ जाएगा, इसका कोई संबंध में? देखिए ऐसा है, ये यात्रा जो है 12 साल की यात्रा है, 3 वर्ष कंप्लीट होने वाले हैं, जो भी शिवरात्रि जो आएगी इस शिवरात्रि में 3 वर्ष पूरा हो जाएगा।
चौथे वर्ष से फिर शुरू होगा। अभी हम कश्मीर होते हुए, नेपाल होते हुए, जनकपुर बिहार होते हुए, सीतामढ़ी बिहार होते हुए, जन्मभूमि होते हुए अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ की यात्रा 12 साल की है, तो हम धीरे धीरे करके अभी आपके नैमिष शरण गए थे, वहाँ पर थे, वहाँ से होते होते अभी रूट में पहले अयोध्या, अयोध्या के बाद जैसे प्रभु की इच्छा होगी जहाँ वो खुद जाना चाहेंगे वहाँ आगे। ये 12 साल के संकल्प क्यों है? अभी तो 3 साल होगा महाशिवरात्रि को, ये 12 साल के संकल्प क्यों है? 12 साल का संकल्प इसलिए आप कह सकते हैं क्योंकि हिंदुत्व में जन जागृति एक तरीके से आप समझिए आस्था का विषय, सब में एक आस्था को, आस्था के साथ सभी को प्रेरित करना, सभी को एक साथ लेके चलना, सभी को ये बताना कि आस्था में बड़ी शक्ति है, भावनाओं में आप सभी लोग प्रेम पूजा, पूजा पाठ से जुड़ाव रखिए, शिक्षा के साथ साथ सभी चीज़ में आध्यात्मिक रूप से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं हम। यदि भाव ये प्रतिक्रिया शुणुले स्मृति लग्ना जो भाई भाव ये ट्रक को सुसज्जित करे जो परिक्रमा रथ हनुमान जी जो परिक्रमा रथ रही देखू ये हनुमान रथर ये चित्र आप देखुंत प्रथम हनुमान जी अच्छा तापर पर ये जो शोभन शोभा देखा स्वर्णिम रंगर ये हूँ गोटे परिक्रमा रथ जहाँ को भारत सारा परिक्रमा कर सीधा सड़क महाराज जी आम सहित जोड़ी होती प्रतिक्रिया नवा जे 12 वर्षर संकल्प कौन पाई आ ये जो परिक्रमा रथ पूरा भारत सारा बुला जाऊँ ताकू नहीं कि कौन कौन रेस्ट्रिक्शन अच्छी कहीं बर्तमान गोटे बड़ विकल्प सृष्टि सबुआड़े जेहेतु परिक्रमा रथ विभिन्न प्रकार बर्तमान बुला जाऊँगी तार परमिशन कौन अच्छी कौन ना से विषय में श्रुति लग्न आलोचना करवा। महाराज जी पहले तो स्वागत करती हूँ अर्गस न्यूज ओडिशा से हम हैं। आप ये जो परिक्रमा रथ अभी बोल रहा है हनुमान रथ जिसके संदर्भ में हम सब बात कर रहे हैं अभी, ये क्या है और कब तक ये 12 साल क्यों संकल्प लिया गया है? वो जो हनुमान मंदिर वहाँ पे प्रतिष्ठा होने वाला है वो कितने लगभग कितने साल के अंदर अंदर वो खत्म होगा? अभी है भगवान की कृपा से जैसे राम जन्मभूमि में राम भगवान के लिए मंदिर बन रहे हैं, ऐसा हनुमत जन्मभूमि में हनुमान जी के लिए भी मंदिर बन रहे हैं। उस लक्ष्य को लेकर संपूर्ण भारत देश 12 साल रथ यात्रा भी आरंभ हुआ। ये अभी तक 3 साल रथ यात्रा संपन्न हुआ, ये तीसरा साल है, अंतिम में चरण में है। अभी राम जन्मभूमि अयोध्या में होने वाले प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हनुमान जी भी अपना जन्मस्थली से अपने प्रभु के दरबार के साथ भव्य रथ में विराजमान होकर हो गया। उसके साथ साथ अभी वर्तमान में जो बहुत लोग एक प्रश्न उठा रहे हैं सवाल, हनुमत जन्मभूमि राम जन्मभूमि में प्रतिष्ठा को लेकर मूर्ति ठीक नहीं है और मंदिर आधूरा बना, ये सारे प्रश्न उठा रहे हैं। विशेष रूप से चारों शंकराचार्य की तरफ से कुछ प्रश्न उठा रहे हैं। ये सारी समस्याओं को परिष्कार देने के लिए भी हनुमान जी यहाँ उपस्थित हैं। जो सब लोग बोले कि चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मूल बात है कि चारों शंकराचार्य में दो शंकराचार्य मान्य ही नहीं है। अभिमुक्तेश्वरानंद जो बोल रहे हैं वो फर्जी हैं, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर रोक लगा दिया, वो शंकराचार्य नहीं है, बस हो गया। और सदानंद सरस्वती महाराज जी का जो गुरुदेव हैं, पूज्य शंकराचार्य जी भगवान हैं, हमारे गुरु जी हैं, अपने जीवन काल में किसी को उत्तराधिकारी नहीं बने ना, शंकराचार्य घोषित किया, सदानंद भी नहीं है, बाकी दो हैं। श्रृंगेरी महाराज जी भी सहमति दे दिया, बस हो गया। बाकी पूरी शंकराचार्य जी जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। मोदी क्या बोल रहे हैं, मोदी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, परंतु विधान होता है, विधान को ये लोग पालन नहीं किया। यदि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट शंकराचार्य जी के पास जाकर सम्मान पूर्वक आमंत्रण किया तो आते थे। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।